हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सागर मोबाइल कम्युनिकेशन पर। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 53 के बारे में, जो हमारे पास रिस्टार्ट होने की प्रॉब्लम में आया है। ये फ़ोन लोगों तक आके फिर से रिस्टार्ट हो जा रहा है और ये प्रोसेस इसमें लगातार चली ही रही है। देख सकते हैं आप, ये लोगों पर आया, फिर ये दोबारा से रिस्टार्ट होता है। ये बस ऐसे ही होता रहता है, उन लोगों की समस्या भी कुछ इस तरह की होती है। तो चलिए, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा इसकी फ्लैश फाइल से, और इसकी फ्लैश फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाके आप इजीली इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर किसी भी टूल से जो क्वालकॉम की डिवाइस को फ्लैश करता हो उससे फ्लैश कर सकते हैं। तो मैं अपने बात करूँ तो भाई, मैं इसको UMTQC फायर से फ्लैश करने वाला हूँ। UMTQC फायर को मैंने ओपन कर लिया है। अभी मैं सिंपल सा इसमें फ़ाइल ऐड करता हूँ। ये फाइल मेरी टेस्टेड फाइल है, जो मैं पिछले बहुत दिनों से, लगभग 2 साल से इस फाइल को यूज कर रहा हूँ। अभी तक ये किसी भी फ़ोन पे एरर नहीं आया इस फाइल में। जितनी भी फाइल मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊँगा वो सारी ट्रस्टेड फाइल होंगी, जो मैंने खुद भी यूज कर ली है। चलिए हम फटाफट से इसमें फाइल ऐड करते हैं और इसको फ्लैशिंग करते हैं। ये हमने प्रोग्राम एक्सप्लोर वाली फाइल सेलेक्ट कर ली है। प्रोग्राम पैक फाइल को ये किसी फायर ऑटोमेटिक ले लेता है, जिसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैंने फ्लैश पर टिक किया है। इसी में बाई 53 में भी वैसे टेस्ट पॉइंट होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दबाएंगे आप, तो दोनों को जब एक साथ दबा के USB केबल लगाएंगे तो आपका फ़ोन डिटेल में आसानी से चला जाएगा। किसी फ़ोन का अगर प्लस माइनस कीज का टच ख़राब हो तो इस फोन में टेस्ट पॉइंट भी होता है, जिसकी इमेज में तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा। अभी हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये डिटेक्टिंग टाइप कंप्लीट हो गया है। ये हमारा लोडर इंस्टॉल हुआ। इसी तरह की टेस्टेड वीडियो को देखने के लिए भाइयों, और सॉफ्टवेयर की पूरी नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फ्लैश फाइल का लिंक आपको इस तरह का दिया जाएगा कि आपको कहीं भी इधर से उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फ्लैश फाइल पे ही पहुँचे हुए आप। सीधा डाउनलोड बटन ही आपको मिलेगा पहले क्लिक में। किसी भी तरह का टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स आपका। अगर आपके पास भी वीवो वाई 53 एनुअल लोगों की समस्या में आता है, या फिर अपडेट के बाद इसकी टच वर्क नहीं कर रही है, या फिर अपडेट के बाद इसकी डिस्प्ले वाइट पड़ गई है, या फिर आपका फ़ोन भी इसी तरह से रिस्टार्ट हो रहा है, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ इसको फ्लैश करने से होता है इस फाइल से। इस फाइल का लिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद चेक करते हैं हम अपने फ़ोन को कि हमारी फ्लैशिंग करने के बाद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है या नहीं। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक इसकी फ्लैशिंग पूरी होती है। लगभग 30-40 सेकेंड ये रिमेनिंग आ रही है। और ये PDL का पोर्ट जा चुका है, फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा फ़ोन, इसको ऑन करके देखते हैं। ये वीवो के लोगो से आगे जा रहा जब जा रहा है या नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं फ्रेंड्स,
तो लीजिए दोस्तों, आखिरकार इस फोन पे होम स्क्रीन पे हम पहुंच ही चुके हैं। ये फोन पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है, आगे आ चुका है लोगों से। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।